जायसवाल हो, परफेक्ट का इंचार्ज हो, और एक बैग आगे पेड़ गिरा नीचे, जिसमें कि दो तीन गाड़ियां थी एकदम जख्मी हो गई है और एक आदमी को चोट लगा है, दो तीन आदमी को, इनका इलाज चल रहा है। तो कितना लगभग नुकसान हुआ होगा और ये कैसे हो गया एकाएक? बारिश को जैसे हो गया, आप कैसे क्या बोला जाए, मतलब ये पेड़ बहुत दिनों से जर्जर था क्या? जर्जर था ये, बहुत पुराना पेड़ है करीब। तो इसका अभी कोई हिस्सा बचा हुआ है कि पूरा का पूरा पेड़ गिर गया? नहीं, पूरा नहीं गिरा, उसका वन थर्ड हिस्सा बचा हुआ है, अभी एक हिस्सा बचा हुआ उसका। अपना परिचय दीजिएगा। मैं केएम कुशवाहा, थाने के बगल में ये मकान मेरा ही है और बहुत पुराना पेड़ है। आज बहुत दिन बाद, गर्मी के बाद बारिश हुई है, बहुत पुराना पेड़ था, अंदर से मुगला भी हो गया था। दो साल पहले मई 2020 में लॉकडाउन के समय जो है इसी की एक डाल और गिरी थी। बारिश होने की वजह से अचानक करीब एक डेढ़ घंटे पहले जो है चरचरा के गिर गया। एक दो ठेले वाले थे वो उसमें थोड़ा इंजर्ड हुए हैं, एक दो गाड़ियां अंदर दबी हुई हैं और हमारे छत की रेलिंग वगैरह टूट गई है। और अभी जेसीबी वगैरह आया है तो ये लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सीओ साहब के दिशा निर्देश में हट पड़ रहा है ताकि कोई और हताहत न हो। इसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? ऊपर का रेलिंग वगैरह सब टूट गया है, उस तरह तो नहीं बताया जा सकता, रेलिंग छज्जा वगैरह टूट गया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।